स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मुझे कब से बात खाए जा रही थी लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, पर अब बस बहुत हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है ईशमा को हो क्या गया, वो परम अंकल के सामने बार बार क्यों चुक रही है। एक तो उन्हें परम अंकल से माफी मांगने की क्या जरूरत थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। I'm sure कुछ ना कुछ तो बात है और वो मुझे पता लगानी है। काम करती हूँ, मैं ईशमा से जाके आज बात कर ही लेती हूँ। हेलो, हाँ श्रभु। हाँ रोहित, तुम जल्दी से मयूर विहार पुलिस स्टेशन आओ। अप्पा किसी भी बात नहीं मान रहे। What? और रोहित, आदि भैया को लेके भी आना। I think so, वो अप्पा को हैंडल कर सकते। मैं और आदि भैया तुम्हारे पास पहुंच रहे, तुम प्लीज रिलैक्स रहो, ठीक है? प्लीज प्लीज प्लीज। आदि भैया। रोहित तुम यहाँ पे क्या हुआ? आलिया आदि भैया कहाँ है? आदि तो घर पे नहीं है। क्यों? घर पे नहीं? God, रोहित। रोहित परेशान क्यों लग रही है? भाई को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ भाई, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। इस वक्त पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? किरण आंटी को अरेस्ट कर लिया है। What? हाँ, बाला अंकल शाबू ताता वहीं पे है, पर वो बाला अंकल को संभाल नहीं पा रहे। प्लीज जल्दी से आ जाओ, मैं भी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। आप जल्दी आओ प्लीज। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। क्या? What do you mean, बेल अभी नहीं हो सकती? एंड सुबह के लिए तुम श्योर नहीं? सुनो, किरण कोई क्रिमिनल नहीं है, वो मेरी बिजनेस पार्टनर रह चुकी है, मेरी दोस्त है और रिश्तेदार है अब, पर हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। किरण इज नॉट रनिंग द रैकेट अलोन। किरण को इस्तेमाल करा उसे मजबूर किया किसी ने, मुझे वजह जाननी है वो। उसके लिए किरण का बाहर होना बहुत जरूरी है। So do whatever you can, मुझे किरण जेल से बाहर चाहिए कल सुबह, that's it। तो अभी बेल नहीं मिल सकती? क्योंकि आधी रात हो चुकी है, बेल नहीं, जो भी होगा कल सुबह होगा। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, देखते हैं किरण ठीक है या नहीं। प्लीज चले हम। मुझसे मत पूछो, जस्ट कॉल है, मैंने फोन करो। फोन करने की जरूरत नहीं, आदि घर पे ही होगा। आदि, यही प्रॉब्लम है, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारा बेटा इस वक्त घर पे है ही नहीं। मतलब नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आलिया, आलिया आदि कहाँ है? इस बेचारी से क्या पूछ रहे हो तुम? इसकी हालत तो देखो। अपा, बहुत देर हो गई है, हम कल इस बारे में बात करेंगे। नहीं आलिया, चाहिए अभी। ये सब संभालने के लिए तुम्हें मौका दिया था मैंने, तुम कुछ संभाल नहीं पाई। बहुत देर हो चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं तभी जाऊंगा जब ये मैटर सॉल्व होगा। मणि, ये सब बातें करने के बजाय अगर तुम्हें, और अगर आदि की यही सच्चाई है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी उसके साथ एक भी सेकंड और रहे। अरे पर बताओ तो आदि कहाँ है, अगर तुम्हें पता है तो बोलो ना। वो रोशनी क्या है? रोशनी की? उसके घर पे मुझे शक हुआ था, इसलिए मैं रोशनी घर गया और वहीं मिला मुझे। और उस रोशनी की हिम्मत तो देखो, शर्मिंदा होने के बजाय पुलिस बुलाने की धमकी दी मुझे। तुम्हारा बेटा वहां आवारा गर्दी कर रहा है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। वो नहीं लग रहा है किसी का भी, तीनों की तीनों गए पुलिस स्टेशन, एक फोन भी नहीं किया। उधर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यार? अगर तेरी उम्मा, अयो बहुत टेंशन हो रही है। अरे आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आज सेलिब्रेशन का दिन है। बियर लेकर आया हूँ मैं, चिकन लेकर आया हूँ आपके लिए। लेट्स सेलिब्रेट टुडे। अरे आंटी जी, आज तो मतलब, आंटी जी आइए ना प्लीज। आपको पता नहीं है आज मेरा ना बहुत बड़ा दिन है। अरे आज आपकी बेटी मिसेज इशिता भल्ला ने मुझसे माफी मांगी, औकात दिखा दी उसको मेरी बीवी ने। और तो और वो जस्टिस मिस इशिता, आपकी बहू को उसने जेल भिजवा दिया। मानना पड़ेगा, कमाल की पर्सनालिटी है आपकी बेटी। अगर मेरे हाथ बंदे नहीं होते ना तो मैं तुमको ऐसे उठाकर ऐसे बार फेंक देती चूहे की तरह। इधर ऐसी खड़ी होके तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली। अरे
जाकर नहीं आप आइए। हरम भी ना, मैं थम गई। आलिया को तुम्हारे साथ भेजकर मैंने बहुत बड़ी गलती की ईशु। ये तो मणि की आवाज है। मुझे तुम पर भरोसा था, मुझे लगा था कि तुम आदि और आलिया के बीच के प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, लेकिन तुम तो ये भी नहीं मानो कि इस वक्त आदि एक दूसरी औरत के साथ बाहर है और मेरी बेटी सब कुछ सह रही है घुट घुट के। ये तो कमाल हो गया ना, जहाँ तू अपने आप को एक परफेक्ट माँ परफेक्ट साथ समझती है। अगर तू परफेक्ट माँ होती ना तो आदि बाहर जाकर गुलछर्रे नहीं उड़ा रहा होता। अरे क्या संस्कार दिए तूने उसे हाँ, कि वो शादीशुदा आदमी होकर बाहर उस रोशनी के साथ चक्कर चला रहा है, तुझे पता भी नहीं। अगर हम में से किसी ने किया होता तो तूने धक्के मारकर हमें घर से बाहर निकाल दिया होता, लेकिन नहीं, आदि तो तेरा बेटा है, तो अब क्या करेगी? वो ही अपने डबल स्टैंडर्ड गेम्स खेलेगी, है ना? बोलती क्यों नहीं है, बोलना। सिमी बस, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूँ ना, चुप हो जा। माना हमें नहीं पता कि आदि घर पे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश का अफेयर चल रहा है। अभी आदि आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तब तक अपना मुंह बंद रखना तू। नहीं रामन, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मेरी बेटी की खुशी की बात है, मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी की बात है। प्लीज कांस्टेबल, एक काम करो, तुम और ईशु मेरे साथ चलो और फिर उससे बात करो। मणि मणि सुनो, हम उसे यहीं पे फोन करके बुलाते हैं, दो मिनट। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम रोशनी के यहाँ आओ और देखो कि वो वहीं है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसे होगा, सुबह तक का इंतजार कैसे करूंगा अपा मैं। बारा शबु किरण किधर है? उसको नहीं लाए तुम्हारे साथ? विश्वास चल रहे, रूही कुछ बोलो ना। पर ये बेल के बिना हम किरण आंटी को बाहर नहीं निकलवा सकते हैं, सुबह तक का वेट करना ही होगा, कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू, डोंट वरी प्लीज। पार्टी हमें पुलिस ने अम्मा से मिलने भी नहीं दिया। शबु अम्मा को कुछ नहीं होगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चिट्टिया चुपी रही थी के? क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ना, आप दोनों के वजह से हुआ है। शबु चुप कर, कुछ भी मत बोल अंदर चल। और तुम फाइनली घर आने का टाइम मिल गया तुम्हें। आदि देखो कितना बदतमीज है ये, मैं इससे बात कर रहा हूँ बिना जवाब दिए, चला गया अंदर। मणि जिस लेट्स गो इनसाइड, अंदर चल के बात करते हैं। प्लीज अंदर। मणि हम सब बात करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। आदि उधर तो ठीक है? हाँ सर। आदि सबसे पहले तो मैं अंदर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं बाहर कोई तमाशा नहीं क्रिएट करना चाहता था। ठीक है, अब बता बात क्या है। आप सब लोग प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करेंगे, तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी तब सब ऐसी देखेंगे। पापा प्लीज, बिना मतलब के बात का पतंगड़ मत बनाइए। और वैसे भी आपको जो लगता है लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना होगा ना तो वो मैं अपने पेरेंट्स को करूंगा, आपको नहीं। ठीक है अदीप, बता क्या बात है। पापा मैं गया था रोशनी के घर, लेकिन क्या किसी ने पूछा मुझसे कि मैं वहां क्यों गया था? इससे पूछने वाली कौन सी बात है, मैं जानता हूं। मणि एक सेकंड प्लीज। मणि सबको बता दो पापा कि इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी और से नहीं, तो बीच में कोई इंटरफेयर ना करे। मणि अब तुम आदि को छूओगे नहीं जब तक इसी बात को नहीं हो जाए। रिलैक्स आदि, प्लीज बोलोगे? बोला दी। पापा मैं बस रोशनी को घर छोड़ने जा रहा था, वो किसी बात को लेकर डिस्टर्ब थी, वो गाड़ी से उतर गई और फिर उसके पीछे गुंडे पड़ गए, वहां लड़ाई होगी, मेरी हाथापाई होगी, ये देखिए। उसके बाद मैंने रोशनी को घर छोड़ा, उसके घर पे पहुंचे तो वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसके घर का फ्यूज उड़ गया था, तो बस उसको ठीक करने के लिए वहां रुक गया। यकीन नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, है ना? लेकिन पापा रोशनी मेरी दोस्त है, लंदन में उसने मेरी इतनी मदद की और अब उस पर मुसीबत आई तो मैं पीछे हट जाऊं क्या? मुझे लगा उसकी मदद करनी चाहिए बस। और वैसे भी हमारे परिवार वालों ने तो उससे रिश्ता तोड़ दिया, इस शहर में अकेली हो गई है, तो क्या गलत किया मैंने उसकी मदद करके? पापा मैं ये सब बात बताने घर पे ही आ रहा, लेकिन इतने में अप्पा वहां पहुंच गए, मेरे ऊपर हाथ उठाया उन्होंने, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे वो। इससे पहले मैं घर पहुंचता रूही का फोन आ गया कि किरण आंटी को अरेस्ट कर लिया, तो मैं वहां चला गया बस। कहानियां प्लीज, तुमने जो सवाल उठा उसका जवाब मिल गया ना,
बाकी बातें कल करेंगे। अभी जाओ मैडम। डोंट टच माय सन, आउट। पापा प्लीज, पापा पापा प्लीज जाइए प्लीज। बस मौतों का तमाशा, रात हो गई, सब सो जाओगे। पापा किरण आंटी सचमुच दोषी हैं क्या? आप लोग श्योर नहीं हो तो फिर क्यों अरेस्ट कराया उनको? आजी हमने उन्हें अरेस्ट नहीं करवाया है, और तुम्हें लगता है क्या कि हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे? आपकी बात कल करेंगे आदि, जब तू मुंह धो ले सो जा, रात बहुत होगी। प्लीज यू रिलैक्स सर, आदि आराम करो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।